आपने हम सबको आपके चरणों के पास लाए। हाँ प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए आप आराधना करते हैं। ये वचन जो प्रभु जी हम बात करने वाले हैं, वचनों से प्रभु पवित्र परमेश्वर आप अपनी अगुवाई के द्वारा वचनों को प्रभु जी बताने के लिए प्रभु जी मेरे होठों को स्पर्श करो, मेरे मन के और प्रभु जी आंख खोल दीजिए और मेरी समझ को, ताकि प्रभु जी आपके वचनों में से मनन करते समय प्रभु आपके वचन मैं समझ सकूं और मेरे मुंह से जो वचन निकले प्रभु जी आपकी प्रजा और आपकी कलीसिया समझ सके और उनके अनुसार चलने की प्रभु मेरी उनकी हम सब की मदद। ये छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगता हूं। आज के इस वचन में हम पढ़ चुके हैं कि होशिया होशी 4:6 परमेश्वर ये कहता है, पिता परमेश्वर मेरी प्रजा, यानी ये प्रजा जिसके बारे में कहता है वे उसकी प्रजा है, उसने अपना नाम बुलाकर जिस प्रजा को उसने चुन लिया और जिस प्रजा के लिए उसने अद्भुत कार्य अद्भुत काम किए हैं, उस प्रजा को जिस प्रजा को उसने राजाओं के हाथ से, फिलिस्तीनियों के हाथ से, अमोरियों के हाथ से, कानानियों के हाथ से, ग्रीकियों के हाथ से, हर एक के हाथ से जिसने परमेश्वर बचाया है, अब कोई राजा के कारण, किसी शत्रु के कारण, किसी महामारी के कारण या किसी दूसरे देवताओं के कारण नहीं नाश हो रहे हैं। वे नाश इसलिए हो रहे हैं कि वे उनको क्या हुआ है, ज्ञान नहीं है। यानी वो नाश हो रहे हैं, वे नाश होते हुए भी उनको ये समझ नहीं आ रहा है, उसको ज्ञान कहते हैं। जब हम देखते हैं बच्चों को, छोटा बच्चा जब कहते हैं कि ABCD बोल, ए के बाद डी बोलता है, डी के बाद जेड बोलता है, तब उसको कहते हैं उसको ज्ञान नहीं, क्योंकि ए के बाद बी आना है, बी के बाद सी आना है, क्योंकि वो बच्चा है लड़कपन में। उसी तरह 1, 2, 3 कहने के लिए हम कहते हैं 1, 2 कहता है, 6 कहता है, 9 कहता है, 10 कहता है, बाकी का खा जाता है। इसी तरह परमेश्वर की जो प्रजा है, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है ऐसी प्रजा जो है वे नाश हो रहा है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है उनके पास, क्या वह ऐसी खड़े होंगे या बच्चों के नए आज ही पैदा होंगे उनको मालूम नहीं, ऐसा भी नहीं। परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन प्रजाओं को, अपनी प्रजा को जिसने अपना नाम धारण किया हो प्रजा को, वो कहता है उसको व्यवस्था दी है। फिर भी व्यवस्था में रहते हुए भी ये लोग नाश हो रहे हैं, और नाश इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को नहीं बल्कि अपने संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को वो समझा नहीं पा रहे। तो इससे क्या परमेश्वर प्रसन्न था, नहीं है। वो कहता है कि तू नाश हो, तू अज्ञानी है, तेरे समझ के ना समझ के कारण मैं तेरे लड़क यानी छोटे बच्चों की तरफ भी मैं अपना मुंह मोड़ दूंगा। आज हम किस परिस्थिति में हैं? आज तो हम ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे अगर ज्यादा हुआ तो PhD भी करते हैं। जिस तरह उस समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको व्यवस्था दिया, बहुत कठोर व्यवस्था था, उस व्यवस्था के रहते हुए भी अज्ञानी बनकर वो चलते रहे। हम भी आज पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करके ज्ञानी बनते हैं, एक टैलेंटेड हम क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉय हो जाते हैं, यानी किसी के पास काम करना है या सॉफ्टवेयर में जाना है तो फलाना कॉलेज में वो MIT में गया तो हमको
जॉब मिल सकता है। ज्ञानी बन गए, एम्प्लॉयर बन गए, लेकिन बिलीवर बनते बनते आगे नहीं चुप जाते। वैसा ही तो परमेश्वर आज क्या उस समय मुझे जिस तरह मुझे के द्वारा परमेश्वर कहता है तेरे लड़क वालों के अंदर बच्चों को मैं छोड़ दूंगा, तो आज परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं है, हम ही खुद अपने बच्चों को छोड़ दिया। परमेश्वर आज बच्चों को नहीं छोड़ रहा, हम माता पिता अपने बच्चों के हाथ छोड़ रहे हैं। यह वचन को देखकर आज परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है, क्या हम अपने बच्चों को अपने नजदीक आने दे रहे हैं? क्या परमेश्वर के भाई में हम चला पा रहे हैं? हम हमारे इस नौकरी के विषय में, इस पढ़ाई के विषय में, चाहे मैं हूं आप हो, सभी का एक घर में ऐसी एक परंपरा निकल पड़ी है, ट्यूशन के लिए उसको 5 बजे उठाते हैं, 6 बजे तैयार करके बाहर भिजा देते हैं, आता है थक जाता है उसको खाना देते हैं, फिर कॉलेज को भिजा देते हैं, फिर वो आता है अपनी पढ़ाई में, बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट में वो लग सकता है और कितने बड़े बड़े कंपनी से वर्ल्ड में, वहां पे उसको नौकरी मिल सकती है, लेकिन हमारे बच्चों के दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, वो भय नहीं है, वो डर नहीं है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों के इस क्या कर सकते हैं, हम इनको सब कुछ जुगाड़ हम कह सकते हैं, सबको प्रोवाइड करने में हम भी हम थोड़ा पीछे हैं। आज परमेश्वर वही हमसे पूछना चाह रहा है, शायद हमारा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में हो या अमेरिका जाता हो, शायद उसको अच्छा लगा तो अच्छे जाएगा हम सोचेंगे, लेकिन वो या इंडिया में जब नहीं जाएगा तो वहां कहां जाएगा। तो आज हमारी ये परिस्थिति क्यों हो गई, क्या सचमुच अगर एक बार सोचे तो हमारे जीवन के अंदर किस चीज से आज हम कुछ हो रहे हैं? परमेश्वर को याद दिलाना चाहता है, ऐसा नहीं कि ये होशे के वचन के बाद परमेश्वर ने हमको सचमुच त्याग दिया, छोड़ दिया। यीशु ने आया, आज हम लेंट में हैं, यीशु हम सबके लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, उस क्रूस पर उसने इतना दुख सहा, उसके ऊपर उन लोगों ने थूका है, ये सारे सहने का कारण कि उसकी क्षमा के गुण के कारण आज हमारे पापों की क्षमा मिली। हमारी मुसीबत में, हमारी तकलीफों में जब हम केवल यीशु के पास आते हैं, उसका नाम का उच्चारण करने से, उसका ये जो दुख पीड़ा है स्मरण करके है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, इतना कहने से हमको उद्धार मिल सकता है। तो ऐसी जब बात हम समझ सकते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं आज भटके हुए वचन से, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे ज्यादा अधिक बात कर सकता है, मेरी जो समझ है जहां तक मेरी समझ सीमित है, परमेश्वर आपको मुझसे ज्यादा कहता है आज के इस वचन के द्वारा। क्या इस वचन के अंदर हम बंधे हुए, क्या इस वचन से क्या हम उस परमेश्वर जो बात इस वचन में कहता है, क्या वचनों से आज हम झगड़े हुए हैं? क्या इस वचनों के द्वारा क्या हमारे बच्चों को परमेश्वर वो जो आशीष तो कहता है कि मैं रोक दूंगा, क्या इस वचनों के कारण क्या हमारी बच्चों के ऊपर आशीष रुक सकता है क्या? एक बार आज हम सोचेंगे। आज पवित्र परमेश्वर हम सबके अंदर, हमने पवित्र परमेश्वर को हमने प्रार्थना किया है, उसका संचार आज हमारे बीच हो रहा है, वो आपके मनों को टटोलेगा। प्रियो मैं तो अज्ञानी, मेरे तैयार किए हुए वचनों में कोई महत्व नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। पवित्र परमेश्वर जिस बात को जब आपके मन में वो डालता है, वो आपके मन को हिला देता है। आज पवित्र परमेश्वर वो वचन को मेरे लिए आपके लिए वो कहता है, क्या हम ज्ञानी है या अज्ञानी है? मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूं ज्ञान, लेकिन जब तक परमेश्वर उस वचनों को मुझे समझा नहीं सकता, बाइबल 10 बार भी पढ़े तो मुझे समझ नहीं आता। आज उन स्थितियों में परमेश्वर हम वचन पढ़ते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते, कारण बहुत से हैं। भी हमारे
माइंड में इतने तनाव है, हमारे मन में इतने ही तनाव हो गया है कि हम देखते हुए भी उसको समझ नहीं सकते। यीशु ने कहा जब अपने चेलों के साथ, जिसको कान हो वो सुने। इसका मतलब है उनको वो समझाने के लिए, उनको समझने के लिए उनके आंख और कान बंद थे। शायद मैं सोचता हूं आज मेरे भी कान और मन बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियों में, हमारे इन सारी चीजों में आज हम अटके हुए। आप सभी जानते हैं कि आज के इन दिनों में हम, हमारे इस देश में आज हम जीवित हैं, आज हमारा गुजारा हो रहा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। शायद कोई कितना भी कमाता हो उसको वो बस नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई 10,000 कमा रहा है वो खुश है, जो 50 कमा रहा है वो उससे ज्यादा खुश है। सभी का पैमाना जो है, सभी का वही हाल है। ये क्यों है? क्योंकि अंतिम दिन है। इसका उत्तर ना मेरे पास है ना आपके पास है। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, इसका उत्तर कोई हमको दे नहीं सकता है। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर बुला रहा है। आज क्रूस के दिनों में आज हम है, यीशु बुला रहा है, फिर से हमें याद दिला रहा है, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं, मेरे सिवा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। हमें जाना कहां है? पिता के पास जाना है। पिता के पास कौन है? यीशु मसीह। और यीशु ही कहता है कि मेरे द्वारा ही तुम्हें जाना है, यानी यीशु के द्वारा ही जब हमें जाना है तो पहले यीशु के पास आना है। जब यीशु के पास आएंगे, जब वो अपना द्वार खोलेगा, उसकी सच्चाई हमको समझाएगा, तभी हम पिता के पास जा सकते हैं। हम सब सुनते हैं, हम हर संडे को आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये जो दिमाग है उसको ताला लगा है, वो चाबी हमें मिल नहीं रहा है कि उसके वचनों को समझ सके, उसके पास आ सके, उसके लिए हमारा मन दे सके, हमारा हृदय दे सके। मेरा भी बहुत सारे विचार होते हैं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन वो विचार करने के लिए, वो विचारों के ऊपर जो ताला है उसकी चाबी नहीं मिली। घर है मेरा, घर के सामने गेट है, गेट को ताला है, जब ताला खोलूंगा तो ही घर में जाऊंगा। आज मेरी उपस्थिति आप सबको जानने की, जांचने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर एक मौका दे रहा है। सब कुछ है, ज्ञान है हमारे पास, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर कहता है कि तुम नाश हो। यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया, बलिदान दिया, फिर भी आज हम नाश हो गए। क्रूस का मार्ग हमको दिख रहा है, वहां क्षमा है, वो बुला रहा है अपने बाएं फैलाकर, फिर भी हम अज्ञान में हम नाश हो गए। हम उसके पास जाना चाहते हैं लेकिन उठ खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोच है वो सोच बंद पड़ा है। जो सोचते हैं उस खोज से ऊपर आने के लिए उनको शक्ति कम हो रही है। तो हमारे इस 40 दिनों के अंदर जो हर दिन की प्रार्थना हो रहे हैं, हम अटेंड कर रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं मेरे काम के कारण। आपको परमेश्वर दे रहा है शक्ति, आपका ज्ञान का वो ताला जो है, आज परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ। अज्ञानी है लेकिन उसको ताला लगा हुआ है। उस ताला को खोलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हर सुबह से लेकर शाम तक आप उपवास करें। आपको उस संग है, आज आराधना में, हर आराधना में आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के निकट निकट आ रहे हैं, वो आपको बुला रहा है। आपकी प्रार्थना जो सुन रहा है परमेश्वर, वो व्यर्थ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। तो आज वचनों से परमेश्वर पिता मेरे द्वारा आपसे यही बात करवाना चाहता है कि हमारे पास है पड़ा हुआ ज्ञान,
लेकिन हम क्या बन रहे हैं, एक एम्प्लॉय बन रहे हैं, एक दूसरे के पास काम करने के लिए हम अपने आप को सर्च कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या हम हमारे लिए अपने बच्चों को सुधारने के लिए क्या आगे चल रहे हैं? तो ऐसी एक सोच आज परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए छोड़ने के लिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे और आपको प्रेरित करता है। प्रिय भाइयों, छोटा संदेश, यीशु अपना अभी भी क्रूस पर है, वो बुला रहा है, उसके पास आएंगे, हम मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि जो पिता ने हमारे लिए हमको जो यानी इसराइलियों को जो उसने त्याग दिया, जिस कारण आज हमको ना त्याग, हम यीशु के पास आएंगे, उससे विनती करेंगे, उससे गिड़गिड़ाएंगे, उससे क्षमा मांगेंगे। आज इस लेंट डेज में है, पश्चाताप के दिनों में, ऐसा नहीं कि आज के दिन परमेश्वर इस लेंट में परमेश्वर हमको क्षमा करता है, हर बार वो कर सकता है, हर दिन कर सकता है, जिस तरह क्रूस पर वो चोर है उसी समय किया, लेकिन हम मसीह है, हम वो मार्ग पर नहीं चल सकते, हर दिन दिया पिता परमेश्वर ने हमको, हर बार उसके पास आएंगे, उसके निकट आएंगे, उसे मांगेंगे और हम अपने दिलों को उठा कर यीशु के पास आएंगे कि परमेश्वर मेरे ज्ञान को बढ़ा, मेरे आंखें खोल और मुझको तो स्वीकार। आइए मान बंद करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस छोटी सी संदेश में प्रभु जी आपने हमको समझाया प्रभु जी, किस कारण प्रभु जी हम आपसे पिछड़े हो, शायद प्रभु जी मेरे बातों में कुछ कमी घटी है, या मैं आपके वचनों के द्वारा इन भाई बहनों के हृदय तक नहीं पहुंच सका, तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका कार्य आप उनके हृदय में करने वाले, इसलिए आपको धन्यवाद। मैं तो प्रभु जी केवल एक मोहरा हूं, प्रभु आपके लिए एक पात्र हूं, प्रभु शायद मेरी बातों में प्रभु जी आवाज अच्छी है या खाली झंझरा है, प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी कार्य में प्रभु जी मैं आप पर निर्भर हूं, इसलिए आज किस प्रभु जी वचनों को आपके हाथ में सौंपता हूं, इन प्रिय भाई बहनों को आपके हाथ में देता हूं, आप इनके हृदय में कार्य कीजिए और अपना निकटतम इनको बना दीजिए। छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण करता।